फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज प्रग्स किचन पे कुछ स्पेशल पराठा बन रहा है जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है तो वो बन रहा है केले और मेथी का पराठा जो कि सर्दी में ही मेथी आती है शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर टू एंड हाफ कप रो रूटीन वाला जो रोटी का आटा होता वो वाला लिया है इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ आप कम ज्यादा कर सकते हैं और वन फोर टी अजवाइन डाल रही हूँ मैं इसमें जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है ये अजवाइन बहुत ही फ़ायदेमंद होती है आप कुछ भी तलने वाली चीज़ बनाएं उसमें ये अजवाइन डालें और मैं यहाँ पर दो टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल इसको ऑयल को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लिया अपने इसको थोड़ा सा ही चाहिए मोइन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो अब अपन इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेते तैयार हो गया आप देख सकते हैं सेमी सॉफ्ट डो है इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने रखेंगे इसको डो तैयार करने में मेरे को पूरा वन कप और थोड़ा और पानी लगा था तीन चार टेबल स्पून आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें डो तैयार करते समय इसको अब अपन ढक कर दस मिनट के लिए रेस्ट रख दे मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने दो तीन टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है जब तक अपना डो रेस्ट करता है तो अपन स्टफिंग तैयार कर लेते हैं अब मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून सौंफ डाल रही हूँ और दो तीन पिंच यहाँ पर मैंने हींग डाली है ऑयल ज्यादा गर्म नहीं करना है अपने को ये सौंप ऊपर आ चुकी है अब अब मैंने यहाँ पर मेथी जो कि हाफ कप मेथी मैंने धोकर अच्छे से चॉप कर रखी वो इसके अंदर डालते हैं और हरी मिर्ची मैंने एक हरी मिर्ची को भी बारीक चॉप कर रखा है वो इसमें डालते हैं मेथी को मैंने पहले तेल में डाला ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत भी कड़वाट होती है वो सारी खत्म हो जाती है इसको अपने को ज़्यादा गलाना नहीं है थोड़ा सा ही सोता करना आप वीडियो अंत तक देखें बहुत से टिप और ट्रिक्स मिलने वाले हैं अब अपन इसके अंदर मसाले डालते हैं यहाँ पर मैंने टू टी स्पून लाल मिर्च लिए और वन फोर टी स्पून हल्दी ली है और वन फोर टी स्पून गर्म मसाला और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ये सब इसके अंदर मिक्स कर देते हैं नमक अपन लास्ट में डालेंगे अब मैंने इसी मसाले के अंदर पांच बनाना कच्चे केले जो कि मैंने बहुत अच्छे से बॉईल करके इसके अंदर डाल दिए अब उनको अच्छे से मैश करना आप कोफ्ते बनाएं और समोसे बनाएं उसमें थोड़ा कम बॉईल चलेगा लेकिन इसके अंदर अच्छे से बॉईल करा हुआ ही चाहिए अपने को इसको बिल्कुल एकदम मैश करना है और मसाला तैयार करना है अपने को मैंने केले को एकदम मैश कर दिया केला हमेशा पानी सोखता है इसलिए आप केले को अच्छे से बॉयल करके ही यूज़ करें इसके अंदर अब अपन इसके अंदर खटाई के लिए आप अमचूर ले या नींबू में यहाँ पर आधा नींबू का जूस डाल रही हूँ और मेरे पास थोड़ा पुदीना फ्रेश है वो डाल रही हूँ वन फोर्थ टी स्पून जितना है ये मिक्स कर देते हैं अब लास्ट में अपन नमक डाल रही हूँ यहाँ पर मैं टू टीस्पून डाल रही हूँ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं केले और मेथी का मसाला बनकर तैयार हो चुका है अगर पराठा बनाने के लिए अपने को मसाला थोड़ा ठंडा चाहिए तो इसको दस से पंद्रह मिनट ठंडा होने देते हैं प्रेस तो करे हुए पंद्रह से बीस मिनट हो गए आप अपने इसके थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको सही कर लेते हैं तो सही कर लिया आप देख सकते हैं किस तरीके है का एकदम सेमी सॉफ्ट आटा है आप अपन इसका एक बोल तोड़ते हैं थोड़ा सा मैंने आटे से अपने हाथ को डस्ट करा है उंगलियों को ये जितना बड़ा ये छोटा आपको पराठा बनाना है वैसा आप बनाए ये अपने बोल तैयार करा इसको डस्ट कर लेते हैं फिर इसको बेलना है अब इतना ही बेले कि अपने को स्टफिंग भर सके बस इतना ही बेलना है अब जो अपन ने केले का मसाला तैयार करा है वो अपन इसमें फिल करते हैं आपको अगर बच्चों को कम मसाला पसंद है तो कम लेवे मैंने ये इतना लिया है अब इसको लॉक कर दे इस तरीके से ये बहुत ही आसानी सी हो जाता है ये अपना बॉल तैयार है वापस इसको डस्ट करना है फिर इसको बेल देते हाथ से थोड़ा ऐसे दबा दे ताकि मसाला सारा सब जगह इवनली फैल जाए अब अपन बेलन से इसको बेल लेते हैं हल्के हाथ से बेलना है इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप पतला मोटा अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने साइड बाय साइड तवा भी गरम रख दिया गरम हो चुका है अब अपन इसको तवे पे डालते हैं इसे अपन सारे पराठे तैयार कर लेंगे जो अपना ऊपर था मसाले वाला वही रखा है और फोल्डिंग जेदर करी वो ऊपर की साइड रखा वो नीचे दबाए अब अपन इसको सिकने देते हैं लो टू मीडियम पर ही अपन इसको सेकेंगे पलट दिया आप देख सकते हैं अच्छी सीख चुकी है दूसरी तरफ भी अपने सीख चुकी है अब अपन को तेल से इसको सेकना है तेल डालें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ आप चाहे तो इसमें तो को, कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं तेल कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर चिमटा ले रही हूँ इससे पकड़ के सावधानी से पलट दें और दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दें फिर इसको इस तरीके का जो दबा दबा के थोड़ा हल्के हाथ चारो से चारों तरफ से इवनली सिक जावे गैस की फ्लेम अभी मीडियम पे है लो टू मीडियम पर ही ये पराठा सिके अगर गैस की आस तेज़ हो जाए तो आप इसको वापस लो पे कर दें अपना पराठा एकदम परफेक्ट सीख चुका है अब अपन इसको सर्व करते हैं अपने केले और मेथी के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं ये खाने में जितने टेस्टी है उतने हेल्दी भी है क्योंकि अपन ने यहाँ पर मेथी ली है और केला लिया है दोनों ही बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूले ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज के साथ